What's up my beauty family, I'm back again with another vlog. तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर आप नए हो, और पुराने हो तो enjoy करो यार as always. तो भाई thumbnail से तो आपको पूरा पूरा आइडिया लग चुका होगा कि अब हम कहाँ जा रहे हैं. राइट, अब हम जा रहे हैं एक्टिवा 6G लेने. एक्चुअली क्या इंट्रो में मैंने आपको बताया था, बहुत टाइम से जो मेरी प्रीवियस स्कूटी है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो मैं प्लान कर रहा था कि यार एक स्कूटी लूँ, क्योंकि फैमिली में आजकल सबकी नीड है. बाइक होती है कुछ की एक अलग बात है, बट एक स्कूटी एज अ मल्टीपर्पज़ होती है. आप स्टोरेज कैरी कर सकते हो, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप फैमिली वाले बंदे हो तो यार, बट ऑब्वियसली आपको स्कूटी तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपका गुजारा नहीं है. तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे स्कूटी लेनी चाहिए. एक दो स्कूटी और है, डोंट माइंड, मैं किसी को डिफेम नहीं करूँगा, बट एक दो स्कूटी मेरे माइंड में थी, जैसे एंटॉर्क थी, जुपिटर थी. बट सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, किसी को लुक्स ज़्यादा मैटर करती हैं, किसी को माइलेज ज़्यादा मैटर करती है. मेरे लिए जो मैटर कर रही थी वो थी बिल्ट क्वालिटी, और मेरे हिसाब से एक्टिवा से हैवी और अच्छी बिल्ट क्वालिटी और कोई स्कूटी इस समय दे नहीं रही है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि प्योर मेटल है. ऑलमोस्ट 95% बोलो या 90% बोलो, मेटल है उसमें, और एक रगेड फील आती है कि हाँ भाई आपके पास कोई चीज़ है और 10 साल 12 साल 15 साल कहीं नहीं जाने वाली अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं. तो बस अब शोरूम जाएंगे, फैमिली वहाँ पे मेरी पहुँच जाएगी, और वहाँ जाके फिर अब स्कूटी के बारे में थोड़ा सर्वे करके, तो जो सा कलर पसंद आएगा, जो सा मॉडल पसंद आएगा वो ले लिया जाएगा. बेसिकली स्कूटी में दो ही मॉडल हैं एक्टिवा 6G में, एक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बेस मॉडल है, एक DLX मॉडल है. डिफरेंस ये है कि जो बेस मॉडल है उसमें आपको हेलोजन लाइट मिलती है, और जो DLX मॉडल है उसमें आपको LED लाइट मिलती है. तो बट ऑब्वियस है, DLX मॉडल ही चूज़ करना वैल्यू फॉर मनी रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ LED लाइट तो बहुत मस्ट है यार. नाइट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है LED लाइट. तो ये आ गया अपना मायापुर स्टेशन, और अब हम जाएंगे रमेश नगर की साइड जहाँ पे है होंडा एक्टिवा का शोरूम. और धूप बहुत ही ज़्यादा चल रही है, और ये देखो एक से एक समझदार बंदे बिना इंडिकेटर दिए मुड़ जाते हैं. फीमेल ड्राइवर एक्सपेक्टेड, अल्फा लेडी ड्राइवर. और स्पीड कैमरा दिल्ली में स्पीड कैमरा. तो भाई रेड लाइट का मजा लो. तो आपके पास कौन सी स्कूटी है आप ज़रूर बताना कमेंट में, और क्या माइलेज दे रही है ये भी बताना. वैसे तो जो एक्टिवा 6G है और हर कंपनी है वो यही कहती है भाई आपको 50 का माइलेज मिलेगा, 50 प्लस का माइलेज, बट मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है, क्योंकि कोई भी स्कूटी है गियरलेस स्कूटी जो होती हैं, बट ऑब्वियसली गियरलेस होती हैं, तो इनमें आपको हार्डली 40 या 45 का मैक्स टू मैक्स मिल जाएगा. और 50 माइलेज यार सिटी में निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी ब्रेक्स यूज़ होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि सिटी में 45 से ऊपर आएगा स्कूटी में. हाँ अगर आप स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, कोई स्टॉप नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको 50 तक का भी माइलेज या 48 तक का भी माइलेज आ सकता है. हो तो एनीवेज, तो थोड़ा सा ट्रैफिक है, चलो 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 धीरे धीरे सब चलो. बाकी स्कूटीज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई हैं यार, क्योंकि एमिशन नॉर्म्स भी इनके बहुत हो गए हैं. BS6, और मेरी जो स्कूटी थी पहली वो BS3 थी, और उसमें BS3 में जब मैंने 2010 में ली थी तो आई गेस मुझे वो पड़ी थी उस टाइम पे स्कूटी 50 तक की आ जाती थी, 50-55 की एक्टिवा. और आज वही एक्टिवा आपको 86, 85, 1 लाख और अकॉर्डिंग टू योर मॉडल ये सब महंगी महंगी पड़ती हैं. और पहले तो हर कोई सोचता था कि यार हम ले लें, इजीली हर कोई ले लेता था, बट अभी थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है यार, क्योंकि अराउंड 1 लाख क्रॉस कर रही हैं स्कूटीज़, तो ये अमाउंट छोटा नहीं होता. और जो हार्ड वर्क कर रहा है यार अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे लिए तो पर्सनली अगर कोई पूछे तो मेरे लिए तो अमाउंट छोटा नहीं है, और बाकी जिसको बाप के पैसे ब्याज करनी है उसके लिए तो अमाउंट छोटा ही है यार. यार मुझे समझ नहीं आती ग्रीन लाइट होने के बाद ये इतना धीरे धीरे क्यों चलते हैं. तो बस अब हम आने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारा होंडा का शोरूम, आगे है थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ मैं. तो बस आप फटाफट से सिनेमैटिक एंजॉय करो, और आई होप आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो, और अभी तक मज़ा आ रहा होगा. तो ये आ गया हमारा होंडा का शोरूम, तो भाई चलते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है. तो लेट्स गो.
innocent. Overreacted and acted childish, impacted us all around. When you were pushing me away, should have tried to give you space and get out of your way. How did I not see this coming? You need them. चल रहे हैं हम शोरूम से बाहर और हमने ले ली है एक्टिवा 6G की डिलीवरी. एक सेकंड. यार हमने तो स्कूटी ली है ना, तो हम बाइक पे क्यों चल रहे हैं? तो अब ठीक है हमारी 6G एक्टिवा, तो चलो अब चलते हैं. और ट्रैफिक देख लो कितना बढ़िया वाला चल रहा है यार. अच्छा इतनी गर्मी है कि भाई बंदे का ऑमलेट बन जाए. और मुझे एक बार सडनली याद आई कि भाई डोंट माइंड जो चाय लवर है भाई इतनी गर्मी में भी कई लोग बहुत शौक से चाय पीते हैं. और मैं अपनी बात करूँ तो मैं चाय लाइक नहीं करता हूँ बिल्कुल भी. और कॉफ़ी मुझे हाँ अच्छी लगती है, बट कॉफ़ी भी मैं बहुत कम पीता हूँ, लाइक 3-4 महीने में कभी एक बार या वो भी नहीं. तो भाई इतनी गर्मी में जहाँ पे 43 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच टेम्परेचर चल रहा है दिल्ली का, वहाँ पे चाय जो लवर हैं हमारे, चाय कैसे पी लेते हो यार? मुझे पता चले भी एक टैलेंट है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी एक एडिक्शन होता है यार. और जैसे मुझे जिम का एडिक्शन है तो एक अपना अपना एडिक्शन होता है. बाकी स्कूटी में मैं सोच रहा हूँ मैं इधर एक मोबाइल होल्डर लगाऊँ और थोड़ी सी चैनल की लोगों की जो स्टिकरिंग है मॉडिफिकेशन है वो करवाऊँ, जैसे मैंने बाइक में करवाई थी आपको पता होगा. और जो इसकी सेफ्टी के लिए जो एसेसरी है, जो स्टील की एसेसरी आती है, और या तो उसको बाइक स्कूटी गार्ड कह सकते हैं आप, जो मर्जी कह सकते हैं, वो लगवाऊँगा और जिससे सेफ्टी भी रहे गाड़ी की स्कूटी की. तो चलो थोड़ा सा रोक के वीडियो को एंड किया जाए, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है यार इतनी गर्मी में. आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा दुबई बना हुआ, सडनली दुबई से भी ज़्यादा बुरा हाल मुझे लग रहा है जितना मैं फील कर रहा हूँ, इतनी गर्मी है. तो गाइज कैसी लगी आपको ये मेरी एक्टिवा 6G? आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा. तो आपके सपोर्ट की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत और जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा न्यू वीडियोज़ के लिए. तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, और पुराने हो तो इन्जॉय करो, सपोर्ट करो, इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को. जल्दी आऊँगा मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू.